ये हम लोग यहाँ से एंट्रेंस करेंगे सर। ये जो गेट है इस गेट का नाम है बोलन दरवाजा। एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, बुलंद के माने ऊंचा, दरवाजा माने गेट। वहाँ टॉप से लेकर यहाँ तक आप लोग खड़े, इसका हाइट 134 फुट का बनाया गया है, 134। और रोड लेबल से रोड लेबल टॉप 176 फुट इसका हाइट बनाया गया है, 176 फीट। इस गेट की जो सीढ़ियाँ बनाई गई है, कितनी सीढ़ियाँ इसमें? 52 सीढ़ियाँ, 52 स्टेप, 52 सीढ़ियाँ इसके अंदर। एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा कहते हैं इसको, बुलंद दरवाजा। और अकबर ने किस टाइम बनवाया था? अकबर ने ये बनवाया था, यहाँ अकबर ने अपनी औलाद की खुशी में बनवाया था। अच्छा, तो ये बिल्डिंग स्टार्ट जो की थी सन 1569 में अकबर बादशाह आए थे, 1570 में ये बिल्डिंग स्टार्ट किया था। अच्छा, 1582 में ये गेट बनकर कंप्लीट हुआ। लेकिन ये गेट फर्स्ट फ्लोर का था, ऐसे आपको दिख रहा है इतना बड़ा था। फिर अकबर ने एक लड़ाई लड़ा था, खानदेश गुजरात अहमदनगर चांद बीबी सुल्तानों को फतेह किया था, तो उसकी खुशी में इसका दोबारा निर्माण किया था। 1601 में स्टार्ट किया और 1602 में कंप्लीट कर दिया। एक साल इस गेट को बनने में लगे थे। इसको विक्ट्री गेट भी कहा जाता है, जीत का गेट। चलिए, ये हम चल रहे हैं सीढ़ियों पर। ये आ गए हम ऊपर बुलंद दरवाजे के पास। ओहो, बहुत ऊंचा ये भाई। ये पूरा गांव नजर आएगा जो आप लोग देख रहे हैं, पूरा गांव नजर आता है यहाँ से। और ये गांव जो बसा हुआ है वो किले की दीवार भी आपको नजर आएगी, ये पानी के पास बनी हुई है, टूटी फूटी बाउंड्री जो नजर आएगी। इस किले की दीवार है, ये नीचे में आपको काले काले शाही हमाम भी आपको यहाँ से नजर आएंगे जी। अकबर के 9 रत्न थे, 9 मिनिस्टर, और सामने जो है काले काले अकबर के 9 रत्न थे, 9 मिनिस्टर जी। और उनमें से एक मिनिस्टर थे, इनका नाम था राजा टोडरमल। तो जंगल के अंदर एक बिल्डिंग नजर आएगी, सबसे अलग जो बिल्डिंग है हाँ। ये राजा टोडरमल का महल बनाया गया है। हाँ जी, राजा टोडरमल का महल बनाया गया, इसको बोलते हैं टोडरमल पैलेस। अच्छा, ये नीचे में आपको ये बिल्डिंग नजर आएगी, ये उस समय का लंगर खाना है। लंगर खाना हाँ, लंगर लुटता था बादशाह, गरीब और फकीर लोगों के लिए एवरी डे यहाँ खाना किया करते थे। अच्छा, तो उस समय का ये लंगर खाना बना हुआ है, अभी इसको गवर्नमेंट ने कहा है क्लोज कर दिया गया है, जैसे जेल टाइप में नजर आती है, सभी लंगर खाना बना हुआ है जी। यहाँ से जाल वाली की बात ये आपको नजर आती है, ये पानी की बावली बनाई गई है, पानी का बावली है ये, इस तरीके के 52 बावली बनाई थी अकबर ने पानी की प्रॉब्लम के कारण। उधर जो है दूसरी, हाँ जी, ये एक ही बावली है। और ये बाउंड्री बॉल नजर आएगी, ये बाउंड्री नजर आएगी। आज से तकरीबन 20 साल पहले एक बूढ़े आदमी थे, अलाउद्दीन उनका नाम था। अच्छा, वहाँ दीवार के ऊपर से इस पानी के अंदर में जम किया करते थे। अच्छा, जम करने के वो 100 रुपये थे, उनका एक कारोबार था। अभी उस बूढ़े आदमी का मौत हो गया बीमार होने पर, प्रोग्राम फेमस था, टेलीविजन दूरदर्शन पर आता, पहलाता था ताना वाना, फैलाता सुर भी। अच्छा, तो ये सुर भी प्रोग्राम रखा था, वो यहीं का प्रोग्राम है। ठीक, आप लोग बुलंद दरवाजे के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं जी। ये बुलंद दरवाजा है, और यहाँ दरवाजे पे देखे इधर में ये घोड़े के नाल नजर आएंगे। ये घोड़े के नाल इस वजह से लगाए जाते थे, जिस किसी आम पब्लिक का उस समय में घोड़ा बीमार होता था, चाहे चिश्ती बाबा की दरगाह पर लोग डोरी बांधते थे और मन्नत करते थे हमारा घोड़ा ठीक हो जाए, तो वहाँ से डोरी निकालेंगे, उसके बाद यहाँ नाल लगाएंगे। अच्छा, ये गुजरत के लगाए गए, और सफ़ेद पत्थर में इमारत है वही अकबर के पीर साहब की दरगाह है, पीर साहब का नाम है हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह जी। ये बुलंद दरवाजे का अंदर का पेंटिंग है, मुगल पेंटिंग बनाया गया, ये तकरीबन 450 साल पुराना हो चुका है, इस वजह से निकलता मुगल पेंटिंग। इस साइड में कॉरिडोर बनाएंगे, ये जो कॉरिडोर बना है इस साइड में, इस साइड में दोनों साइड में कॉरिडोर से, यहाँ पर अकबर के समय स्कूल चलते थे, इसको मदरसा कहा जाता है जी। एक्चुअली में क्या है, अभी ये रूम्स बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ दो साइड में चौकीदार रहते थे और दो साइड में मदरसे चलाए जाते थे, तो लोगों ने शॉप लगा लिए, गवर्नमेंट के आदेश से सब हटा दिए गए। अच्छा, हिंदी मूवी परदेश यहीं की बनी है सर, जो गाना है ना उसमें दो दिल मिल रहे। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं दरगाह पर, आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद बनी हुई है,
यहाँ परदेश फिल्म की शूटिंग भी हुई थी यानी? हाँ जी, यहाँ परदेश। और ये वही दरगाह है जहाँ बादशाह अकबर ने दुआ मांगी थी। सामने ये पत्थर बताएंगे उसके बारे में कुछ बताएंगे। सफेद पत्थर में जो इमारत बनी हुई है ये दरगाह सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह है जी। और ख़ास करके दरगाह मन्नत के नाम से ही फेमस है। यहाँ मन्नत वगैरह लोग करते हैं और मन्नतें पूरी होती हैं जी। यहाँ शनि देवल का फिल्म यतीम बना है। अच्छा। इसमें शनि देवल और फरा धागा बांधने के लिए आते हैं। अच्छा, अच्छा। और इसमें परदेश फिल्म बना है शाहरुख खान का जी। कच्चे धागे बना है, मुगले आजम, हीर रांझा, गरम हवा, सारा फिल्म का बना है। अच्छा। एक्चुअली में क्या है, ये फतेहपुर सीकरी इसलिए फेमस है क्योंकि ये पहले पुराना गांव था, गांव का नाम सीकरी था। अच्छा। मुगलों से पहले यहाँ एक राजा रहते थे जिनका नाम था राणा सांगा, महाराणा प्रताप सिंह दादाजी जी। मुगलों में सबसे पहले यहाँ बाबर आए। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में यहाँ युद्ध हुआ जिसको खानुआ युद्ध कहते हैं। उस युद्ध के बाद बाबर ने इसका नाम दे दिया था फतेहपुर सीकरी, फतेह माने जीत, यानी सीकरी को फतेह किया। बाबर एक्चुअली में जीत कर चले जाते हैं। बाबर ने यहाँ कोई इमारत नहीं बनवाई थी, बाबर तो यहाँ से जीत कर चले जाते हैं। और बाबर के बेटे थे, उनका नाम था हुमायूं। हुमायूं इधर के लिए नहीं आए। और हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर बादशाह हैं इसलिए आए थे क्योंकि अकबर बादशाह की तीन रानियाँ थीं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अच्छा। हिंदू रानी का नाम था महारानी जोधाबाई, जो महल उधर है राजस्थान के रहने वाली थी। मुस्लिम रानी थी उनका नाम था रुकैया बेगम, तुर्की सुल्ताना, तुर्की के रहने वाली थी। क्रिश्चियन रानी थी उनका नाम था मरियम जबानी, गोवा के रहने वाली थी, उसको एक टाइटल दिया था सलीमा बेगम। अच्छा। अकबर बादशाह की तीन रानी थी, तीनों रानियों को औलाद बच्चे वगैरह पैदा नहीं होते थे। अकबर बादशाह एक बच्चे की मन्नत करने के लिए कलियर, अजमेर और हिंदू रानी थी वो अपने मंदिर, गिरजाघर सब जगह गए थे, किसी रानी से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ जी। अकबर का लास्ट में हार थककर अपने ख्वाबगाह दिल्ली के अंदर में उनका बेडरूम था, ख्वाबगाह बोलते बेडरूम को जी, बेडरूम के अंदर में आराम फरमा रहे थे। तभी शहनशाह अकबर को एक सपना नजर आता है कि शहनशाह फतेहपुर सीकरी जाएं। अच्छा। ओ सॉरी, आप अजमेर जाएं। अजमेर में एक पीर बाबा की दरगाह है जिनका नाम ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती है। आपको एक बच्चा मिलेगा, वो अजमेर से मिलेगा। अकबर बादशाह यहाँ से दिल्ली से अजमेर के लिए जाते हैं। अजमेर में उनकी एक दरगाह शरीफ बनी हुई थी। ये मस्जिद है इसी के अंदर, ये भी बादशाह अकबर ने बनवाई थी। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, वहाँ अकबर बादशाह ने मन्नत की, वहाँ से अकबर को कोई औलाद नहीं मिली। तो अकबर बादशाह अजमेर से यहाँ फतेहपुर सीकरी के लिए पैदल और नंगे पैर चलकर आते हैं। 350 किलोमीटर अजमेर शरीफ है। अच्छा। उस समय सलीम चिश्ती बाबा जो थे जीवित थे। अच्छा। तो इन्हें अकबर बादशाह इनके पास आकर रोते, एक बच्चे की दुआ किया करते हैं। अच्छा। तो इन सलीम चिश्ती बाबा का एक बच्चा था 6 महीने का, उनका फोटोग्राफ। इनकी दुआ से महारानी जोधाबाई हिंदू रानी से एक बच्चे ने जन्म लिया। अच्छा। जिस बच्चे को पहला नाम दिया था शहजादा सलीम। अच्छा। अकबर को रिटेन किया, तो रिटेन लेने के बाद अकबर ने दूसरा नाम दिया सलीम चिश्ती की। सलीम चिश्ती इनका नाम है, अपना ही नाम उनको दिया था। अच्छा। शहजादा सलीम, यहाँ से मन्नत पूरी हुई थी इसलिए अपना नाम दे दिया शहजादा सलीम जी। फिर अकबर ने उसको अपनी गोद में लेकर दूसरा नाम रख दिया शेखू। जब बच्चा बड़ा हुआ तो बड़ा होने पर बच्चे को तीसरा नाम दिया जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर मतलब सारे जहां का बादशाह जी, जी जी। कुछ साल बीतने के बाद चिश्ती बाबा का मौत हो जाता है जी। अकबर ने अपने पीर बाबा की दरगाह, ये पहले सफेद पत्थर में नजर आ रही है, इसको लाल पत्थर से बनाया था, रेड स्टोन से, ये रेड स्टोन है। अच्छा अच्छा। ये रेड कलर अकबर को यूँ पसंद था, माता पिता जो होते हैं अपने बच्चे को लाल कहकर बोलते हैं जी। और जो बच्चा मिला वो उनकी दुआ से मिला, इसलिए लाल कलर में सारा बिल्डिंग बनवा दिया। बिल्डिंग स्टार्ट, ये बुलंद दरवाजे का बैकग्राउंड है जो आप लोग देख रहे हैं। बुलंद दरवाजे से बिल्डिंग स्टार्ट किया शहनशाह अकबर। फुल बिल्डिंग को बनने में 12 साल लगे थे। 16 साल अकबर का ये राजधानी रहा है। और 16 साल रहने के बाद ये पहाड़ी इलाका था, यहाँ पानी की कमी पाई गई थी। तो पानी की कमी के कारण शहनशाह अकबर फतेहपुर सीकरी छोड़कर आगरा फोर्ट बसा लेते हैं। जहांगीर जब बड़े जाते हैं उन्हें मालूम चलता है मैं चिश्ती बाबा की दुआ से आया हूँ। तो जहांगीर ने ये वाइट स्टोन फिट करवाया जो राजस्थान पर आता संगे मरमर। ये मस्जिद है, ये
ये शाही जमा मस्जिद का मेन पोर्शन है, इसको बोलते हैं शाही जमा मस्जिद। वहाँ टॉप से लेकर यहाँ तक आप लोग खड़े हैं, इसका हाइट 80 फुट का बनाया गया है जी। और टॉप पर पेंटिंग सब मुगल समय की बनाई गई है। ये जाल अभी लगाया है, इमारत 450 साल पुराना हो गया है। ये लैंप आपको नजर आएगा, ये लैंप उस समय सोने का था, रियल गोल्ड लैंप जिसके अंदर में डायमंड फिट थे। ब्रिटिश सिंगरसन आया 1905 में, यहाँ से सोने का निकला है, तांबे का लगा, इसको ब्रिटिश ने ही चेंज किया है। अच्छा। तीन साइड में कुरान शरीफ की आयतें लिखाई नजर आएंगी, वो सोने की पॉलिश से लिखी हुई है और ये पॉलिश उसी समय का है। और जैसे ग्रीन ब्लू ये कलर्स जो नजर आएंगे ये चाइनीज कलर है। और ये ब्लैक वाला स्टोन नजर आएगा, ये कसौटी पत्थर है। कसौटी अकबर बादशाह ने फ्रॉम बेल्जियम से मंगाया था, इस पर गोल्ड घिसकर देखते हैं। और इस तरीके से गेट बनाए गए 1 2 3, थ्री साइड में और थ्री साइड में है, ये टोटल 6 गेट है। और गेटों में ये खासियत है, इसे देखने पर इस साइड से देखेंगे पीछे के सारे छोटे छोटे नजर आएंगे, और उस साइड से देखने पर उधर के छोटे लगेंगे। अच्छा। है ये बराबर सेम साइज के हैं, देखने पर छोटे बड़े महसूस दिया करते हैं। 6 गेट। छोटे छोटे नजर आएंगे जी, ये 6 दरवाजे हैं और ये देखने पर छोटे बड़े महसूस होते हैं। सब बराबर है वैसे? हाँ जी, है बराबर सेम साइज के। हाँ। ये पिलर नजर आएंगे, पिलर जो बने हुए हैं, सारा बिल्डिंग पिलर पर खड़ा है। ये 2 पिलर है, एक ये है, इसके बाद वहाँ जॉइंट लगाने के बाद उधर कर दिया गया है। जितना भी ये डिजाइन आपको नजर आएगा ये पारसी डिजाइन है, देख सकते हो खूबसूरत मंदिर। इधर लड़ाई का मैदान है, लड़ाई का मैदान। ये सामने जो ग्रीन फील्ड जो नजर आ रही है आपको, यहाँ खेती हो रही है। इस फील्ड के अंदर में ही राणा सांगा बाबर में फाइट हुआ था 1527 में। अच्छा। खानुआ का मैदान इसे कहते हैं, इसी जीत के बाद बाबर ने इसको नाम दे दिया था फतेहपुर सीकरी जी। ये फतेहपुर देख रहे हैं आप लोग, वो दूरी पर गांव है, वो सीकरी है, कम माइंड में इसको फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। सामने छतरी दिख रही है, टावर लगा है। हाँ। इसमें आप कांटे कांटे से आपको नजर आएंगे जी जी। ये अकबर का एक हाथी था, एलिफेंट, महारानी जोधाबाई को गिफ्ट दिया था राजा मान सिंह ने अपनी बहन के लिए। अच्छा। हाथी को अकबर बादशाह ने ट्रेन किया और उसको नाम दे दिया हरण। अच्छा। जिस तरीके से जज फैसला करता है वैसे ही वो हाथी जजमेंट क्या करता था। अच्छा। मुजरिम की आंखों से पट्टी बांधकर दीवाने आम आम जनता के सामने उसको पटकते थे। मुजरिम को सुनता, उसकी स्मेल से बताता मुजरिम झूठ बोल रहा है सच। अगर वो झूठ बोलता उसके सीने पर अपना पैर रखकर हाथी मार देता। अच्छा। हाथी का जब मौत हुआ उसका समाधि बनवाया, समाधि को नाम दे दिया हरण मीनार एलिफेंट टावर जी। पास में दो काले काले डॉम नजर आएंगे साइड में, ये उस समय के फांसी घर है। अच्छा। फांसी घर जो मुजरिम होते थे, मुजरिम को यहाँ फांसी पर ही लटकाया जाता था। दीवार के ऊपर ये छोटे छोटे खोल हैं, ये उस समय का पोस्ट ऑफिस है। अकबर का फेवरेट पंछी रहता था इसे कबूतर कहते हैं, और कबूतर को ट्रेन किया जाता था, चिट्ठी कबूतर के जरिए पहुंचाई जाती थी। अच्छा। स्टोन नजर आएंगे, ये ऑयल लैम्प के लिए, यहाँ मसाल जलाकर लाइट की जाती थी। अच्छा। ये दूरी पर आपको पहाड़ नजर आएगा, उस पहाड़ के पीछे राजस्थान स्टार्ट हो जाता है, ये यूपी का लास्ट बॉर्डर है, इसके पीछे लग जाता है भरतपुर। हाँ जी। और ये साइड में जहांगीरी पैदाइशी महल बनाया गया है, इसको नाम दिया था रंग महल। रंग महल वो जाली वाला जो बिल्डिंग है लाल पत्थर में। जी, 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 रंग महल, रंग जाने कलर, महल जाने रहने के लिए। जोधाबाई से बच्चे ने जन्म लिया था, वो इसी जगह लिया था। अभी इसमें टूट फूट हो गई, सर रिपेयर चल रहा है, टूरिस्ट अलाउड नहीं है। बनाए करते हैं मुगल समय से आज तक, ये आर्ट चल रहा है। अच्छा। इन लोगों ने बनाया है, ठीक है। आपने बनाया है? हाँ, मार भी ना स्टोन, और अपने गांव में बनाते ना लोग, 10,000 लोग कटिंग करते ना स्टोन को। ये कैंडी की नहीं, लैंप। लैंप? हाँ, इधर कैंडी लगाएंगे छोटा वाला फिल्टर वाला। ठीक। और लाइट की नहीं, इसमें लाइट पास होता, बहुत प्यारा। अच्छा। हाँ, उसका जाली नकाशी देखो, दरगाह देगी ना बाबा साहब की जी। सेम जाली का डिजाइन लाइट है ऐसे नजर आएगा क्या? अच्छा। आप अपने घर में लगा सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। हटाना ये चीज आपके घर जाएगी, 10 लोग देखेंगे, बोलेंगे वो भी कहाँ से लाए, सोना चांदी कैमरा मोबाइल, ये तो कॉमन है, ये एक आर्ट है फतेहपुर सीकरी का बॉर्डर। ये सारा सामान इधर ही मिलता है दरगाह के अंदर, ये दरगाह है कोने में ही जी। ये जो कमरे हैं ये बादशाह के टाइम में मदरसे हुआ करते थे, हाँ, जहाँ बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ले लो हाथ में, और ऐसा देखिए, ये लोगों ने हाथी बनाया है जी, एलिफेंट, और एक पीस में इसका कोई जॉइंट नहीं है, इसके अंदर में भी हाथी है जी। ये मुगल समय से आज भी यहाँ आर्ट बनाया रहा है। तो ये सीकरी गांव में
यहाँ के जो पूर्वज है वो लोग बनाते हैं। ठीक, एलिफेंट के अंदर में एलिफेंट है कोई? हाँ, ये रखा हुआ है सामान, जो भी आए इधर देखे। ये सामने दिख रहा है ये कब्रिस्तान है, अभी दिखाते हैं कब्रिस्तान। मकबरे नजर आएंगे, ये कब्रिस्तान जो नजर आ रहा है, यहाँ कब्रिज बनाई गई है, इसमें सलीम चिश्ती फैमिली की लोगों की है। हाँ। कुछ तो इसमें लेडीज जो है बिल्डिंग के अंदर है, जालियों के अंदर में। अच्छा। और प्लान जो बना दी गई है वो जेंट्स है। अच्छा। ये कुछ सलीम चिश्ती बाबा की फैमिली की और कुछ इसमें सोल्जर समाधि बनाई गई है। अच्छा, अंदर लेडीज है, अंदर जितनी भी कब्रें हैं वो पर्दे से लेडीज की है, क्योंकि लेडीज पहले से पर्दे में रहती थी, इसलिए कब्रिस्तान भी उनका पर्दे के अंदर है। ये चलते हैं अंदर। नाम है जनाना रोजा, जनाना रोजा, जनानी कब्र। जनाना मीन्स लेडीज, रोजा मीन्स हाउस। उस समय मुगल समय में ये पर्दे सिस्टम बनाए गए हैं जी, अकबर बादशाह की रानियों के आराम करने की जगह थी। अच्छा, ये जाली जो बनी है ये हरम सिस्टम है, इस साइड में और एक उस साइड में है, पर्दे सिस्टम में बनाई गई है जी। ये पत्थर का गेट है, ये लोहे की कड़ी आपको नजर आएगी, पत्थर के टुकड़े एक ये है, दूसरा नीचे है, 450 साल पुराने हो चुके हैं, हटा दिए गए, एक उस साइड में लग रहता था, दूसरा उस साइड इधर लगे थे, एक एंगल लगे हुए हैं जी जी, एक यहाँ लग रहता था, दूसरा उस साइड में, इसको भी बोलते हैं पर्दे सिस्टम। ये जनाने खास है ये। अब हम लोग चल रहे हैं जमा, को बोलते हैं जमात खाना। जब जमात गेस्ट हाउस, गेस्ट लोग आते थे, यहाँ आराम करने की जगह थी। कब्र जो बनाई गई है सभी सैनिक लोगों का है। अच्छा। अकबर का समय एसी लाइट वगैरह नहीं था, वो एसी वगैरह बनते तो समय के नेचुरल स्टोन एसी बनाए, दो साइड में है और एक इस साइड में है। ये पत्थर के स्टोन एसी है, एयरपोर्ट इस तरीके से खाली बनाए गए हैं, एकदम टॉप से खाली नहीं, इसके दूसरे पार्ट से जाली लगी है। इसके पीछे मैंने पानी का लेक बनवाया था, आर्टिफिशियल लेक मोती झील, उसके लिए हवा आती है, नेचुरल स्टोन एसी। अच्छा, ये नेचुरल एसी है, उस जमाने का एसी है, एसी भी तकनीक वाला है भाई, ये एसी है, देखते हैं हाथ लगा के। अरे वाह, इसके अंदर तो हवा आ रही है। बोलिए आप। ये अनारकली को ये दीवार में चुनवाया गया था, ये वही सुरंग है, लेकिन एक्चुअली में अनारकली मरी नहीं थी जी, उस अनारकली को यहाँ से आगरा फोर्ट के लिए निकाल दिया। हाँ। और आगरा रेड फोर्ट से निकालने के बाद उसको लाहौर पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया था। अच्छा। अनारकली सलीम को मालूम चलता, अनारकली मर चुका, वो मरा नहीं था। कुछ ईयर्स बीतने के बाद महारानी जोधाबाई ने अपनी भतीजी से उसका निकाह कराया, जिसका नाम था मालवाई, और मालवाई के बाद दूसरा शादी किया, वो नूर जहाँ से क्या था। अच्छा। सलीम का भी कहना था मेरा मौत हो मेरी समाधि बना, अनारकली के बराबर से बनाए। अनारकली और सलीम का समाधि लाहौर किले के अंदर में है। अच्छा। ये रास्ता बंद कर दिया, आगरा आगरा टू दिल्ली दो जगह के लिए आता है। नहीं। जी बता। इसके अंदर में जो दरगाह बनी है इसका नाम जमात खाना है, सलीम चिश्ती बाबा के ग्रांड सन की दरगाह है। अच्छा। ग्रांड सन का नाम है शेख अलाउद्दीन नवाब इस्लाम खान। अच्छा। ये ढाका बंगाल के गवर्नर थे जहांगीर के समय में। ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान बनाया गया है, सभी सलीम चिश्ती बाबा की फैमिली लोगों की कब्र है। लगे हुए पत्थर, वो ये जो दिखाया था उधर से। और हम अब चलते हैं, दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे बाहर किले में, जिसमें आपको दिखाएंगे बादशाह अकबर की तीनों बीवियों के महल और उनके आराम का और बादशाह का बेडरूम। इस वीडियो करते हैं यहीं क्लोज, तो दूसरी वीडियो के लिए तैयार रहिए। अस्सलाम वालेकुम।